फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेशन। मतलब जब माइग्रेट करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स के साथ उनको फेस करना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द माइग्रेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम एज दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू द अदर एरिया। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और प्रॉब्लम्स फेस करने के साथ साथ हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू अदर एरियाज। जब वो अपने घर को या फैमिली को लेकर के दूसरे जगह पे अदर एरियाज पे जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसके बारे में दिया है। द लेबरर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस। जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो मूव करते हैं सिटीज़ की ओर। क्यों करते हैं? फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस और सैलरी, अच्छे जॉब के लिए या अच्छी मजदूरी मिलेंगे इसके लिए। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक इम्यूनिटीज लाइक शेल्टर, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक इम्यूनिटीज, मतलब इम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधा। वो बिना सुख सुविधा के, जैसे शेल्टर हो गया, सैनिटेशन हो गया, शेल्टर मतलब हो गया जैसे रहने का स्थान, छाया, ये सब, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता और साफ सुथरे पानी की समस्या भी उनको फेस करनी पड़ती है। द कंडीशन इज़ वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिली। ये कंडीशन जो होता है वो बहुत बुरा होता है। वर्स मतलब होता है बहुत बुरा या ख़राब, बदतर बोल सकते हैं। तो व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज टू वुमेन हैव टू वर्क हार्ड। और जो वुमेन होती है घर की, वो बहुत हार्ड वर्क करती है। द चिल्ड्रंस डू नॉट गेट एजुकेशन। चिल्ड्रंस को जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हेंस स्टार्ट बिगिनिंग। जब स्टार्ट होता है तो उस समय उनको काम नहीं मिल पाता है। लोगों जो है भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि किस तरह से वो तंबू लगा करके, और एक बच्ची है जो कि एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो किस तरह से आप बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में आप आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉय ऑफ माइग्रेशन। कुछ लोग होते हैं जो माइग्रेशन करने से बहुत खुश रहते हैं। माइग्रेशन इज अ लाइक अ चैन। माइग्रेशन एक कड़ी के समान है, कड़ी की तरह काम करता है। इफ़ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड हैप्पी सेटल। अगर एक व्यक्ति जो है खुशी खुशी अगर वो सेटल हो जाता है माइग्रेट करने के बाद, इन्फॉर्मेशन टू द लव्ड वंस द अदर आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। इससे क्या होगा कि वो जो है दूसरे इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ वो दूसरे पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को। द अदर आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री, और दूसरा भी जो है वो सेम कंट्री में माइग्रेट करने लगता है। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल। माइग्रेशन से बहुत लोगों को खुशी मिलती है। दे सी न्यू प्लेसेस, वो नए प्लेसेस को देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव होता है। क्लाइमेट जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, दैट सूट देम। जो क्लाइमेट होता है उनको बहुत सूट करता है। जैसे लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स के बारे में उनको जानकारी होती है। ट्रेडिशंस जो है वो सीखने को मिलता है। क्यूजिनेस का मतलब होता है भोजन, नए नए वेराइटीज़ के जो खाने की चीज़ें हैं वो उनको मिलती है। ड्रेसेस है, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जब आप एक दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो बहुत लोग हैं जो माइग्रेट करके खुश भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओके।